नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे भारत में उन नौकरियों के बारे में जिनका आने वाले दिनों में उन नौकरियों पे जो है खतरा मंडरा रहा है। आपको अगर कोई यह कहता है कि आने वाले दिनों में इस विभाग में नौकरी जाने वाला है तो आप उसे यह कह सकते हैं कि क्या तुम भविष्य जानते हो। लेकिन यह जरूरी भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश के कुछ संस्थानों का यानी कि कुछ विभाग में जो है सदा से उनका जो है नौकरी वहाँ से ख़त्म हो सकता है। उस पूरे विभाग की जो संकल्पना है वो ख़त्म हो सकती है। जब हम हाई स्कूल में थे तो उस समय एक लेख लिखने को मिलता था कि मशीन इंसानों के लिए वरदान है या अभिशाप। लेकिन समय के साथ जिस तरह से तकनीक पर पूरी तरह से आधारित हो गया, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हम कई विभाग ऐसे हैं जिसे आने वाले समय में समाप्त होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं वे कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ सरकारी नौकरियाँ समाप्त हो सकती है या फिर जो प्राइवेट संस्थान हैं वो भी बंद होने की स्थिति में है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट सर्विस को भी शारीरिक श्रम करना पड़ता है, यानी कि पोस्ट सर्विस के तहत जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी जो है शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इनका जो काम होता है पोस्ट ऑफिस में वो स्टाम्प लगाना होता है, इनवेलप में पोस्ट कार्ड डालना होता है, साथ ही साथ पोस्ट कार्ड को रिसीव करना आदि कार्य जो है होते हैं। ऐसे में अब इस काम को तकनीक के माध्यम से होने लगा है। एक तो बहुत से कम पोस्ट कार्ड वहाँ पर आते और जाते हैं, अब जमाना इंटरनेट का हो गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है काम बहुत ही कम होता है और मेल आधारित काम की संख्या में जो है बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब पोस्ट ऑफिस में पोस्टल सर्विस की नौकरी जो है ये खतरे में पड़ने वाली है। इसके बाद बात करेंगे ट्रैवल एजेंट की। जब आप कहीं घूमने जाने का अगर प्लान बनाते हैं तो आप ट्रैवल एजेंट से मिलते हैं, यह पहले की बात हो गई, लेकिन अब जो है उसमें बदलाव हुआ है। किस तरह से जाना है, कहाँ जाना है, क्या परेशानियाँ आ सकती है, इन सारी स्थितियों से जो है हम अवगत होते ट्रैवल एजेंट से। लेकिन अगर वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो अब कई ऐसी वेबसाइटें आ गई हैं जो कि इस तरह की सुविधा मुहैया कराती है। आपके आने जाने टिकट लेने साथ साथ कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वहाँ जाने के बाद आपको किस तरह की गाड़ियाँ चाहिए, कौन सी गाड़ी में आप घूमना पसंद करेंगे, इस तरह की सारी सुविधाएँ जो है अब वेबसाइटों पर उपलब्ध होने लगा है। तो ऐसे में ट्रैवल एजेंट की जो उपलब्धि है, जो कार्य थे और जो उसके तरीके थे काम करने के, वो सब जो है ऑनलाइन वेबसाइट के पास मौजूद है। तो ऐसे में लोग अब ट्रेवल एजेंट के बनिस्पत वेबसाइट पर जाना पसंद करने लगे हैं। तो ऐसे में ट्रेवल एजेंट का जो कार्य है वो भी खतरे में पड़ने लगा है। जिस तरह से देश में डिजिटल पेमेंट की बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब जो है लोग एक तरह से कह लें कि डिजिटल मोड पे होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से RBI की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अब जो है ATM से भी पैसे बिना कार्ड से निकाल सकते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना डिजिटल होने वाला है भारत। तो ऐसे में अब कैशियर की ज़रूरत कहाँ होगी, क्योंकि बैंक अकाउंट में जहाँ पर हमारा बैंक का खाता होता है बैंक में, वहाँ एक कैशियर होता है जो कि हमारे पैसे का लेन देन करता है। लेकिन अब जब हम बिना किसी कैशियर के भी लेन देन कर सकते हैं डिजिटल तरीके से, तो ऐसे में कैशियर की जो नौकरी है, कैशियर का जो कार्य है वो खतरे में पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से पेमेंट के मोड में बदलाव हुआ है, हम फोनपे पेटीएम इन सब तरीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं, UPI का तरीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं, उसके बाद से कैशियर की जो नौकरी है उस पर खतरे की घंटी बजने लगी है। अगला जो है वो है कपड़ा उद्योग। आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि आखिर कपड़ा उद्योग पर खतरा कैसे, क्योंकि आखिर कपड़ा उद्योग पर ही खतरा मंडराएगा तो लोग कपड़ा पहनेंगे कैसे। तो हम आगे समझेंगे आखिर किस किस इसके टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन होने वाला है। दरअसल खतरा कपड़ा उद्योग पर नहीं आया है, बल्कि समस्या कपड़ा उद्योग में काम कर रहे कामगारों पर होने वाला है। क्योंकि कई ऐसी मशीनें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में काम कर रही है, यही वो कारण है कि अब जो है मशीनें ही इंसानों वाला काम करने लगा है, यानी कि आदमियों का काम करने लगा है। ऐसे में टेक्सटाइल वर्कर पर नौकरी का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक तरह से कहें मशीनें जो है वो काम 100 लोगों के काम जो है एक मशीन कर दे रही है, तो ऐसे में 100 लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं, उसमें से 1 से 2 लोग जो है वो मशीन को चला सकते हैं, तो ऐसे में 98 से 99 लोग जो है वो बेरोज़गार हो सकते हैं। तो ये कंडीशन बन रहा है कपड़ा उद्योग को लेकर। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल जो कामगार हैं उन पे जो है नौकरी का खतरा आने वाले दिनों में मंडरा सकता है। प्रिंट मीडिया, आज का ज़माना जिस तरह से डिजिटली युग में हुआ है, डिजिटलाइजेशन के युग में गया है, उससे अब यही लगने लगा है कि अब जो है हर कोई अपने गैजेट यानी कि अपने फ़ोन में सब कुछ पाना चाहता है। एक जगह से दूसरे जगह जाना हो या फिर कोई सामान खरीदना हो या फिर हर चीज़ के बारे में वह अपने
फोन पे ही जान लेना चाहता है। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रिंट मीडिया का वजूद कम होने वाला है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि प्रिंट मीडिया का बिजनेस भी कम हुआ है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि लोग डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रिंट मीडिया का जो है वर्चस्व कम होगा। तो ऐसे में प्रिंट मीडिया पे जो कामगार हैं, प्रिंट मीडिया में जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी नौकरी पे भी जो है खतरा मंडराने लगा है। लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह के तरीके से, एक तरह से कह लें कि उसके बिजनेस पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ इसके बिजनेस पे कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ा है। अगला जो नाम है वो है अंपायर। अगर आप स्पोर्ट के दीवाने हैं तो आप मैदान में एक चीज़ ज़रूर मिस करने वाले हैं। जिस तरीके से तकनीक में विकास हुआ है उसे देखते हुए अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अंपायर या फिर रेफरी आपको मैदान में दिखाई ही ना देंगे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो आने वाले समय में कंप्यूटर युक्त मशीनें जो है वो अंपायर या फिर रेफरी का कार्य करते हुए दिखाई देंगे, अंपायर की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसे में अगर हम क्रिकेट के DRS को ही ले लें तो इसकी ज़रूरत कहाँ हम पर देखते हैं एम्पायर के रूप में। इसके लिए जो है एक थर्ड एम्पायर होता है जो कि इसका पूरा तरीके से कह लें कि डिसीजन करता है। तो एम्पायर जो है एक इसकी अहम कड़ी के रूप में पूरे ग्राउंड को जो है कैसे मैनेज करना है, क्या डिसीजन होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों को देखने वाला होता है। लेकिन तकनीक ने जो है अब एम्पायर की भी नौकरी पर खतरा ला दिया है। तो ये कुछ ऐसे विभाग हैं, कुछ ऐसे पद हैं जिसका आने वाले दिनों में उनकी नौकरियों पे जो है खतरा मंडराने लगा है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।